कितना ज्यादा वाइड दिख रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैमरा मेरे से कितना नजदीक है, वो है मेरा प्राइमरी कैमरा। आप ठीक से नोटिस कर रहे हो तो मेरी आंखों में जो रिंग दिख रही है सामने से इस तरीके से दिखता है। यानी बेसिकली मैं आपको सारे सेक्शन दिखाऊंगा, सिरप, टैबलेट, क्रीम्स, हमका डिमका फलाना सब दिखाऊंगा मैं, ठीक है? तो कैमरा उठाते फटाफट चलो। मेडिकल शॉप बोले तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, तो वो है टैबलेट्स और कैप्सूल्स। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो प्लास्टिक के डिब्बे रखे हैं ना, ये सारे टैबलेट्स और कैप्सूल्स के लिए होते हैं। और हम इसे किस तरीके से रखते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, यानी कि यहाँ पर रखा हुआ हर एक डब्बा वहां से लेके वहां तक ए टू जेड फॉर्मेट में रखा हुआ होता है। और हर एक डिब्बे के ऊपर हम कुछ इस तरीके से नोट लिखते हैं, जिसके ऊपर मार्कर से उन मेडिसिन के ब्रांड नेम्स होते हैं जो इस डब्बे के अंदर अवेलेबल होते हैं। इस नोट की वजह से हमें आइडेंटिफाई करना काफी आसान हो जाता है कि किस डब्बे में आखिर कौन सी मेडिसिन रखी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब करी कैप्सूल फ्लूविल, तो मैं उसे कैसे ढूंढूंगा, तो ए बी सी डी ई एफ, देखो यहाँ पर ही सामने ही है, ये कुछ इस तरीके से आपको मेडिसिन दिखते हैं। और इसमें अभी कहाँ पर है कैप्सूल, ओके, तो ये है फ्लूविर कैप्सूल। फ्लूविर कैप्सूल को लेकर मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया जो कि रिसेंटली हुआ है मेरे साथ। अगर आप ठीक से देखोगे तो इसकी एमआरपी है कुछ 490 रुपीज़ की। लास्ट मंथ में जब मुझे स्वाइन फ्लू हुआ था, डॉक्टर ने मुझे यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे क्या सजेस्ट किया कि आप ये मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से खरीदो, या तो आपको चार्जेस देने ही नहीं पड़ेंगे या फिर नॉमिनल चार्ज देने पड़ेंगे। और हुआ भी वैसे ही, मुझे सेम सॉल्ट सेम मॉलिक्यूल लेकिन किसी और जेनेरिक कंपनी का सिर्फ 10 रुपये में पड़ा। यानी डॉक्टर ने मेरे खड़खड़े 500 रुपये की नोट बचा दी। बस यही फायदा होता है जेनरिक मेडिसिन का। जेनरिक मेडिसिन क्या होते हैं, जेनरिक मेडिसिन के फायदे क्या होते हैं, और ये आपके किस तरीके से पैसे बचा सकते हैं इमरजेंसी के केस में, ऊपर आई बटन में मैं मेरे एक वीडियो की लिंक मेंशन कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, आपको ये बहुत काम में आ जाएगी। और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनके बुरे वक्त में भी उनके काफ़ी सारे वो वीडियो पैसे बचाएंगे। मेरे राइट हैंड साइड में जो ड्रार आपको दिख रहे हैं ना, इनमें सारे ओटीसी प्रोडक्ट हम रखते हैं, यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी कि ऐसे कुछ मेडिसिन जो हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी कस्टमर को दे सकते हैं। सेक्रेट गेम्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो नशा करने के लिए मेडिसिन यूज करी है ना, वो भी हमारे पास है। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बड़ी मजेदार चीज है ये। तो बस टैबलेट्स और कैप्सूल्स के लिए इतना ही, और कुछ नहीं बचा है आई गेस दिखाने के लिए। तो अपन देखते हैं इसके ऊपर का सेक्शन कौन सा है। तो चलो, मेरे ठीक पीछे अगर आप देखोगे तो सारे आपको बॉटल्स दिखाई देंगे, यानी कि ऐसे मेडिसिन जो अपन ओरल लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो उनमें एलिक्सर, सस्पेंशन, लिंक्टस, सिरप्स, कुछ भी हो सकता है। और सामान्य भाषा में समझे तो ये सारे सिरप्स होते हैं। लेकिन क्या है ना, ये शॉप रोड फेसिंग है तो सारी धूल मिट्टी पॉल्यूशन सब इसके अंदर आते रहते हैं। और आप मोस्ट ऑफ द बॉटल्स देखोगे ना तो एम्बर्ड कलर, यानी कि डार्क कलर फॉर्मेट में होती है, तो इसके ऊपर धूल तुरंत दिख कर आती है। तो इन्हें क्लीन करते बैठना ये बहुत ही टीडियस टास्क होता है हर एक फार्मासिस्ट के लिए। बॉस, अब इसमें से आपको कौन सा वाला मेडिसिन बताऊं, तो ओके, अब एक काम कीजिए, आप स्क्रीन पॉज कर दीजिए और इस मेडिसिन को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ये गेविस्कॉन ओरल एंटासिड लिक्विड है। कभी कभी क्या होता है ना, आप कुछ अटपटा सा खा लेते हैं या नींद कम ज़्यादा ले लेते हैं या फिर कुछ पेन किलर, हेवी पेन किलर्स खा लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो जिससे हो सकता है आपको गैस्ट्राइटिस या फिर हाइपर एसिडिटी, यानी कि सीने में जलन वगैरह हो सकती है। तो ऐसे इमरजेंसी के केस के लिए ये एक बॉटल आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। ये इतनी सेफ है कि प्रेग्नेंट लेडीज या ब्रेस्ट फीडिंग वुमन भी इसे ले सकते हैं। और इसका एक चम्मच आपको 4 से 5 मिनट में आपकी एसिडिटी से आपको रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि कोई भी मेडिसिन हो, यही मेडिसिन नहीं, मेडिसिन को मिठाई की तरह नहीं खाना चाहिए, उसे दवाई की तरह ही खाना चाहिए। खासतौर पर 10 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो मेडिसिन की लत बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। बॉस, ये दवाई मैंने इसलिए बताई कि ये आपको इमरजेंसी केस में काम आ सकती है। मतलब आप रात को 2 बजे तो बॉस डॉक्टर को सिर्फ एसिडिटी के लिए तो कॉल नहीं कर सकते ना, तो ऐसे केस में सुबह होने तक ये आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगी। ये है नीरी मिक्सचर, जो कि बर्निंग यूरिनेशन, यानी कि आपको यूरिन करते वक्त जो बर्निंग सेंसेशन होता है ना, तभी ये एक नेचुरल अल्कलाइजर के तौर पे काम में आता है। देखो इस बच्चे की आंखें देखो किस तरीके से घूम रही है। बॉस देखो, ये उल्टी की दवा है छोटे बच्चों की। कुछ खास किस्म के चॉकलेट भी हम एक्सक्लूसिवली रखते हैं लाइफ केयर मेडिकल स्टोर में, वो है, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये क्या लिखा है, नो स्पिट। जी हाँ, पान खाओ बिना थूके, मतलब ये स्वच्छ भारत को एक तरीके से प्रमोट करता है। वाह, हालांकि इसका रैपर तो प्लास्टिक का लगता है। अच्छा,
आई होप कि अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा बोर होके वीडियो का एंड तक। We'll be right back.